हाय गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग हिंदी टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो मुझे इसलिए जा रहा है क्योंकि आज मैं आप लोग के सामने एक यूएसबी स्प्लिटर का फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक रिव्यू किया था शिंको टीवी का जो 55 इंच की थी, उसमें केवल यूएसबी पोर्ट दो दिए गए थे। ठीक है, एक तो आपको हो गया रिमोट के लिए हो गया, और एक आपको अगर उसमें आयर ब्लास्टर दिया गया था आपके सेटअप बॉक्स से, अगर उसको आप इंसर्ट करने चाहते हो तो आपके दोनों ही यूएसबी जो है वे कवर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा पेंड्राइव नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको मैं जो इस कमी को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, एक यूएसबी स्प्लिटर मैंने अमेजोन से परचेस किया है। देखते हैं कि ये यूएसबी जो स्प्लिटर है ये हमारे इस टीवी में सिंको टीवी में वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, इसमें ये मैंने चार वाला स्प्लिटर मंगाया है। इसमें ये देखिए, मैं इसको पैकिंग थोड़ा खोल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या हमको मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी बैक पैकिंग है। ये इसमें आपको चार पोर्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ। मेरे को डर पता है क्या था, मेरे को डर केवल यही था कि इसकी जो वायर है वो वायर मेरे को लंबी चाहिए थी, और इसमें बिल्कुल सही इन्होंने वायर दिया है। इसकी वायर काफ़ी दिए गई ही लंबी गई थी गई। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक दिया गया है और यहाँ पे तीन दिए गए हैं। ये चारों ही 2.0 है, इसमें कोई भी 3.0 का नहीं है। ठीक, वैसे भी मेरा काम भी 3.0 का है ही नहीं। ठीक है, मेरे को बस मूवी तो देखनी है पेंडिंग में लगा, या फिर अपना 1 TB का जो मेरा हार्ड डिस्क है उसको लगा के मेरे को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, और कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं मेरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी वायर जो है लंबी वायर दी गई है। ठीक है, इसको मैं अपनी टीवी के साथ कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस चारों पोर्ट में मैंने इसमें तीन में पेंड्राइव डाल दिया है, और एक में मैंने अपना सेटअप बॉक्स का जो इन्होंने दिया था डिवाइस दिया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस इसको सेटअप बॉक्स के सामने रखना है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो ये जो स्पीकर है ये आईबोल कंपनी का, आप देख सकते हैं इसमें आईबोल कंपनी का लोगो भी दिया गया है। ठीक है, ये आपको मैंने इसको अमेजोन से लिया है, करीब 350 रुपये का मेरे को पड़ा। ठीक है, तो वह आप देख सकते हैं कि आपको अमेजोन में सस्ता मिलता है या फ्लिपकार्ट सस्ता मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर अपने टीवी के सामने यहाँ पे रख देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। हाँ, ये देखिए, ये मेरा सेटअप बॉक्स है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब हम चेक करते हैं अपने टीवी में कि क्या ये चारों को इस टीवी में डिटेक्ट किया है कि नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी टीवी ऑन कर दिया है, और अब मैं जाता हूँ इसके मीडिया में जाके देखता हूँ कि मेरा यूएसबी है वो इसने डिटेक्ट किया कि नहीं। मैंने मीडिया खोल लिया, ये देखिए यहाँ पे तीन इसने यूएसबी ड्राइव दिखा दिया है। ठीक है, और एक उसने नहीं दिखाई क्योंकि वह तो उसका है सेटअप बॉक्स का, इसलिए उसने नहीं दिखाया। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3। अब मैं बारी बारी से इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ इसमें ये जो स्पीकर है ये वीडियो भी प्ले कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये कोई सा भी मूवी प्ले कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको साउंड को म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरे इसमें ये देखिए प्ले हो गया है। ठीक है, ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आप देख इसको, अगर आपने नहीं देखी तो पक्का देखिए इस मूवी को बच्चों के साथ। तो मैं चलता हूँ बैक, ये थी फर्स्ट वाली में आपको दिखाया यूएसबी की। अब हम चलते हैं सेकंड वाली यूएसबी में, ये देखिए इसमें करता हूँ क्लिक और साइड में आ गया, और इसमें भी मैं आपको कोई सी भी एक मूवी जो है प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसको देखिए, ये देखिए ये भी मूवी प्ले हो रही है आपकी सेकंड वाले पेनड्राइव में भी। अब मैं चलता हूँ इसका जो थर्ड पेनड्राइव हमने डाला है लास्ट वाला, उस पर प्ले करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये थर्ड, ठीक है, तो इसको हम प्ले करते हैं अभी, कोई सा भी एक मूवी प्ले करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए इसमें जो लास्ट वाली भी जो पेनड्राइव में मूवी प्ले हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूएसबी स्प्लिटर है वह बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसमें हाई एंड मूवी भी आराम से प्ले हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि केवल आपके पास दो ही उसमें यूएसबी पोर्ट आपको अब मिल रहा है सिंको टीवी में, तो आप ये 300-350 रुपये का आप एक छोटा सा यूएसबी स्पीकर आप बाई कर सकते हैं, और ये स्पीकर बड़े ही काम का है। इसको आप अपने लैपटॉप के साथ भी अटैच कर सकते हैं, अपने फोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और अपने टीवी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए रहा होगा। अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए रहा हो तो मैं इस वीडियो को लाइक से जानकारी के साथ जय हिंद वंदे मातरम।